ग्वालियर के बहोड़ापुर स्थित मोती झील पहाड़ी के पास रहने वाली एक महिला ने अपने साथ डकैती और दुष्कर्म की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को भ्रमित कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला के ससुर उसके जेवर मांग रहे थे। जेवर सास ससुर को नहीं देना पड़े, इसलिए उसने यह झूठी डकैती और दुष्कर्म की कहानी पुलिस के सामने गढ़ी। पुलिस पूछताछ में महिला के बार बार बयान बदलने से पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। फिर पुलिस बोली कि उसके जेवर मायके में रखे हुए हैं। इस पर पुलिस के गले यह बात नहीं उतरी। महिला की गोद में दुधमुहा बच्चा था। जब महिला अधिकारियों ने महिला से 2 घंटे तक पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने सारी सच्चाई उजागर कर दी। उसने बताया कि उसके सास ससुर उसके जेवर मांग रहे थे, इसलिए उसने यह झूठी कहानी रची थी। शहर के बहोड़ापुर मोती झील निवासी एक 23 वर्षीय महिला ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसके यहाँ रात को डकैती हुई है। डकैतों ने उसकी आबरू भी लूटी है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। डकैती और बलात्कार की सूचना से पुलिस अफसर सन्न रह गए। जब पूछताछ शुरू की तो महिला कभी लुटेरे की संख्या 20 बताती तो कभी 10 से 12 बताती। महिला सोने चांदी के जेवरात गायब होने की बात भी बता रही थी। फिर कहती है कि उसके जेवर मायके में रखे हुए हैं। जब पीड़ित से शांतिपूर्वक बात की तो उसका कहना था कि उसके गहने और उसके साथ दुष्कर्म होने की घटना झूठी बताई थी। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। सीएसपी संदीप मालवीय ने बताया कि फोन पर एक महिला द्वारा उसके घर में डकैती और चोरी की वारदात करने आए चोरों द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की घटना हुई है, जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए महिला से पूछताछ की तो बार बार उसने कहानी बदली और बाद में पूरा मामला झूठा निकला है। एक फरियादिया आई थी आज थाने, उसने रात को डायल 100 को कॉल किया था, करीब 2 से 2-3 बजे के लगभग। फरियादिया को थाने लाया गया और उसके बाद उनसे उन्होंने जो घटनाक्रम बताया तो उन्होंने जो तथ्य बताया अपनी घटना के संबंध में उसमें विसंगतियाँ थी। बार पहले वो दुष्कर्म की बात बता रही थी, फिर उसके बाद वो चोरी की बात बता रही थी, लेकिन जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने वस्तु स्थिति बताई कि उनके साथ ना तो कोई दुष्कर्म की घटना हुई है, ना ही उनके घर पे कोई चोरी हुई है। जो आभूषण की बात वो कर रही थी वो पहले से ही उन्होंने अपने मायके रख दिए थे, ऐसा उन्होंने अपने कथन में स्वीकार किया है। अभी उसमें जैसा भी होगा, हम अगर तथ्य गलत पेश किए गए तो वैधानिक कार्रवाई जरूर करेंगे। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.